सो गाइस आज के इस नए वीडियो के अंदर आप लोग मैं कुछ इस टाइप का सी एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग कुछ इस टाइप का सी एडिटिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोग मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई एंड सिखाई भी कि आप लोग भी कुछ इस टाइप का सी एडिटिंग कैसे अपना फ़ोन में कर पाओगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहेगा, ये आप लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर आप हमारे चैनल में लेते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। सो चले भी ज्यादा बात की बिना आज के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप लोग पिक्सआर्ट के अंदर ये वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लें, और दोस्तों ये वाला बैकग्राउंड का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा एंड पीएनजी वगैरह जो कुछ भी है वो सारा का सारा लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा लिंक। तो आप लोग जाकर वैसे पीएनजी एंड बैकग्राउंड को इजीली डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग पहले एडिटिंग को सीख लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कैसे करने हैं, आप लोग बाद में जाकर भी बैकग्राउंड हो या फिर पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बैकग्राउंड ओपन करने के बाद अभी एट फर्स्ट आप लोग चले जाना एड प्रोड का ऑप्शन में। तो दोस्तों यार एड प्रोड का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग एड फर्स्ट क्लिक करें एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग अपने फोटो का भी सिलेक्ट करने, मतलब जिस फोटो को आप लोग एडिट करना चाहते हो या सब लोग उस फोटो को सिलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों मैं पर अभी एग्जाम्पल के लिए ये वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे आप लोग अपना फोटो को सिलेक्ट करके इधर पर आप लोग ऊपर ऐड का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो यहाँ पर भी ऐड हो चुका है। सो कुछ इस तरह से अभी आप लोग एड फर्स्ट ऐड करने अपने फोटो को एंड फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग अपना फोटो को ऑरिजिनल बैकग्राउंड को रिमूव करने, ठीक है, सॉरी इरेज करने। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग इरेजर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने। अभी क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे बोलो इरेज पर ऐसे क्लिक करने, देन दोस्तों यहाँ पर इसका हार्डनेस को आप लोग बिल्कुल फुल कर लें और इधर पे ओपेसिटी को भी आप लोग फुल रखने और साइज इधर पे आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं अपना भी साइज को 26 के आसपास रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग फोटो को इस तरह से जूम करके मॉडल को छोड़कर बैकग्राउंड को इस तरह से आप लोग इरेज यहाँ पर कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो मैं यहाँ पर जैसे जैसे इरेज कर रहा हूँ ऐसे सेम टू सेम आप लोग भी कर लेना यहाँ पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो यहाँ पर लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी अभी कर लेते हैं। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो का ओरिजिनल बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुका है। सो कुछ इस तरह से आप लोग अपने फोटो का ओरिजिनल बैकग्राउंड को इरेज करना है, ठीक है। देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग डन कर लें एंड डन करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग अपने फोटो को कुछ इस तरह से अभी बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट यहाँ पर कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही है, देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग एडजस्ट करने के बाद इधर से आप लोग डन कर लें। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग क्या करना है, अभी इधर से आप लोग अपने फेस को गोड़ा कर लेने, ठीक है। सो दोस्तों फेस को गोड़ा करने के लिए इधर पे भी आप लोग टूल्स कॉशन में ऐसे क्लिक करें अभी एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे भी आप लोग एडजस्ट कॉशन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। देन दोस्तों यहाँ पर इसका सैचुरेशन आप लोग डाउन कर लें, मतलब सैचुरेशन को यहाँ पर डाउन करके आप लोगों को 37 का आसपास रख लें और यहाँ पर ब्राइटनेस को आप लोग इंक्रीज कर लें। सो ब्राइटनेस को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को 25 का आसपास रख लें और यहाँ पर आप लोग हाईलाइट्स को हल्का सा बढ़ा लें। सो हाईलाइट्स को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को 17 के आसपास रख लें और यहाँ पर आप लोग शेडो को हल्का सा कम कर लें। सो शेडो के यहाँ पर आप लोगों को -12 के आसपास रख लेने, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टेस्ट को भी आप लोग हल्का सा बढ़ा लेने, सो कॉन्टेस्ट को बढ़ा के इधर पे आप लोगों को 13 के आसपास रख लेने। देन दोस्तों अभी आप लोग फिर से ऐसे इरेजर कॉशन में क्लिक करें, तो दोस्तों ये रहे इधर पे इरेजर कॉशन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग इन्वर्ट कर लेने, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग रजिस्टर पे ऐसे क्लिक करें। देन दोस्तों यहाँ पर इसका हार्डनेस को भी आप लोग बढ़ा लें, सो हार्डनेस को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को 97 के आसपास रख लें और ओपेसिटी के इधर पर फुली रख लें और साइज इधर पर आप लोग अपने हिसाब बराबर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग फोटो का भी कुछ इस तरह से जूम करके मॉडल का फेस के ऊपर कुछ इस तरह से आप लोग ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मॉडल का फेस यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके में गोरा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग मैं करके दिखा रहा हूँ, तो सेम टू सेम आप लोग भी करना है। तो यहाँ पर हम फटाक से कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो यहाँ पर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो अभी हमारे मॉडल का फेस के ऊपर अभी ब्राइटनेस आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इधर पे हेयर का नीचे अभी भी गोरा करना बाकी है, ठीक है। तो हेयर का नीचे गोरा इधर पे आप लोग कैसे करना है, इधर पे अभी आप लोग को ओपेसिटी को हल्का सा कम कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग हार्डनेस को भी हल्का सा कम कर लेना है, सो यहाँ पर आप लोग को हार्डनेस को 40 के आसपास रख लेना है और यहाँ पर आप लोग ओपेसिटी को 60 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप लोग हेयर के नीचे कुछ इस तरह से यहाँ पर गोरा कर लेना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा हेयर को गोरा करते हो,
सॉरी हेयर का नीचे अगर आप लोग ज़्यादा गोरा करते हो तो दिखने में अच्छे नहीं लगते, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं किया, तो आप लोग भी नहीं करने। देन दोस्त इधर से अभी हम लोग डैन खेल रहे हैं। डैन खाने के बाद दोस्त यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो गया, तो यहाँ पर ब्राइटनेस को अभी कम करके मैं अभी 18 का आसपास रख लेता हूँ, ठीक है। देन दोस्त इधर से भी आप लोग डैन खेल रहे अभी। डैन खाने के बाद दोस्त यहाँ पर आप लोग क्या करना है, अभी आप लोग लिप्स को रेड करने, ठीक है। सो लिप्स को रेड करने के लिए इधर पे अभी आप लोग चले जाने रिटास्क ऑप्शन में। तो दोस्त ये जैसे कि यहाँ पर आप लोग रिटास्क ऑप्शन, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पर अभी आप लोग हेयर कलर का ऑप्शन में यहाँ से क्लिक कर देने। तो दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से स्लाइड करना है, एंड स्लाइड करते करते इधर पर आप लोग देख सकते हो ये रहा हेयर कलर का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल के हेयर के ऊपर भी कलर हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें हेयर को कलर नहीं करना है, हमें लिप्स को कलर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी इरेज कर लेते हैं, एंड इरेज करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग कुछ इस तरह से स्लाइड करने। देन दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग इस रेड हेयर को इधर से सिलेक्ट करें, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग मैनुअल ब्रश भी इधर से क्लिक करने। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग फोटो को इस तरह से जूम करके अपना लिप्स के ऊपर कलर करने। तो हमें यहाँ पर अभी सॉरी इधर पे लिप्स को आप लोग कुछ इस तरह से जूम यहाँ पर कर लें, एंड जूम करके दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से लिप्स के ऊपर ड्रॉ करें, ठीक है। तो लिप्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह में कलर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो कुछ इस तरह से भी आप लोग कलर करने, एंड कलर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग अमाउंट को आप लोग अपने हिसाब पर रख सकते हो, और सैचुरेशन को इधर पर आप लोग फुल कर लेने। तो मैं यहाँ पर अभी अमाउंट को इधर पर कम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अभी 46 के आसपास रख लेता हूँ। देन दोस्तों इधर से भी आप लोग डन कर लें। डैन करने के बाद दोस्त यहाँ से अभी आप लोग फिर से डैन कर लें, और यहाँ पर इसका बिफोर आफ्टर भी आप लोग एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो मॉडल का लिप्स यहाँ पर रेड हो चुका है। सो कुछ इस तरह से आप लोग भी लिप्स को रेड करने, ठीक है। देन इतना करने के बाद दोस्त यहाँ पर आप लोग क्या करना है, अभी आप लोग अपने शर्ट के ऊपर कलर करना है, ठीक है। लेकिन शर्ट के ऊपर कलर करने से पहले यहाँ पर आप लोग शर्ट के ऊपर अभी चमक डालना है। सो शर्ट के ऊपर चमक डालने के लिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग इफेक्ट टूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इधर पर अभी आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे भी आप लोग आर्टिस्टिक का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो इधर पे भी आप लोग क्लिक करें। देन दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से स्लाइड करने, ठीक है। और स्लाइड करते करते इधर पे आप लोग देख सकते हो इधर पे फेटल वन वाला फिल्टर को आप लोग सिलेक्ट करने यहाँ से। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेकार से यहाँ पर लग रहा है हमारे मॉडल का फोटो अभी। लेकिन आप लोग इधर पे घबराना नहीं, आप लोग ऊपर इरेजर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो ये दोस्त यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इरेजर का ऑप्शन, तो इधर पे आप लोग क्लिक करने। क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ से आप लोग इन्वर्ट कर लें। इन्वर्ट करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग रजिस्टर पर क्लिक करने, ठीक है। और यहाँ पर भी हार्डनेस को आप लोग बढ़ा लें। सो यहाँ पर हार्डनेस को आप लोगों को 98 के आसपास रख लें। और उसके बाद दोस्तों आप लोग फोटो को अभी कुछ इस तरह से जूम करके अपने शर्ट के ऊपर कुछ इस तरह से फिल्टर को अप्लाई कर लें। तो हमें फिर अभी फटाफट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का शर्ट के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरह में चमक आ चुका है। देन दोस्तों इधर से अभी वाले डन करने। डन करने के बाद दोस्तों इस फिल्टर के ऊपर आप लोग फिर से क्लिक करें। देन यहाँ पर आप लोग फेड को बिल्कुल ही प्लस कर लें, सॉरी बिल्कुल ही माइनस कर लेने, ठीक है। देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग डन कर लें। और इतना करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग क्या करना है, अभी आप लोग जैसे फिर से ऐड फोटो कॉस्ट में से क्लिक करना, ठीक है। तो आप लोग फिर से ऐड फोटो कॉस्ट में क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग कोई भी PNG या फोटो को सिलेक्ट नहीं करना है। इधर पे अभी आप लोग बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग मल्टीपल कलर पर ऐसे क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे अभी आप लोग ये वाला सर्कल को कुछ इस तरह से ग्रीन कलर की तरफ यहाँ पर ले आना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सैचुरेशन को इधर पर आप लोग फुल रखना है उसके बाद, और यहाँ पर आप लोग ब्राइटनेस को भी इधर पर फुल रखना है। देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग डन कर लें। और डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इधर पर एक ग्रीन बैकग्राउंड क्रिएट होकर यहाँ पर आ चुका है। सो कुछ इस तरह से आप लोग एक ग्रीन बैकग्राउंड क्रिएट करना है। देन दोस्तों इधर से अभी डन कर लें, ऐड कर लें सॉरी। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों ये वाला बैकग्राउंड का ब्लेंड मोड को आप लोग चेंज करके मल्टीप्लाई इधर से कर लें। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्लेंड मोड का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। देन दोस्तों इसका ब्लेंड मोड को आप लोग इधर से सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को जूम करके अपना शर्ट के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लें। देन दोस्तों अभी आप लोग फिर से इरेजर का ऑप्शन में ऐसे क्लिक करें, और अभी आप लोग फिर से ऐसे इन्वर्ट कर लें। इन्वर्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग रजिस्टर पर ऐसे फिर से क्लिक करें, और यहाँ पर इसका हार्डनेस को भी आप लोग बढ़ा लें अभी। तो यहाँ पर हार्डनेस को अभी 96 के आसपास रख लेने, और ऑपेसिटी को फुल रखना, और साइज इधर पर आप लोग अपना हिस्सा बराबर रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके मॉडल का शर्ट के ऊपर कुछ इस तरह से अभी आप लोगों को ब्रश को लेकर ड्रॉ करना है। तो आप लोग शर्ट के ऊपर उसके बाद बहुत ही अच्छे तरह में कलर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा मॉडल का शर्ट के ऊपर अभी बहुत ही अच्छे तरह में कलर आ रहा है। सो कुछ इस तरह से आप लोग भी कलर करने, तो हम यहाँ पर फटाफट अभी कर लेते हैं कलर।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का शर्ट के ऊपर अभी कलर हो चुका है, तो आप लोग भी कलर करने हैं। दोस्तों इधर से अभी आप लोग डन करने हैं। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग फिर से डन कर लें, और उसके बाद दोस्त यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो यहाँ पर भी काफ़ी मस्त लग रहे हैं, लेकिन हमारे मॉडल का फोटो एडिटिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मैं दिखा भी देता हूँ क्या क्या बाकी है। इधर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हेयर को बनाना भी बाकी है एंड हेयर पर कट लगाना भी अभी बाकी है, ठीक है। सो सारा का सारा कुछ हम इधर पे करेंगे, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। और इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग हेयर बनाने के लिए आप लोग अपना फोटो को ले जाने पड़ेगा ऑलरेडी स्केच बुक आपके अंदर। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग शेप का ऑप्शन इधर पे दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग अभी क्लिक करें, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पर भी लोग मोड का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर पर भी लोग ऑटो डिस ऐप को ऐसे सिलेक्ट करें, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रहा स्केच बुक, ठीक है। तो आप लोग इधर पे इस ऑटो डिस स्केच बुक आपको ऐसे सिलेक्ट करें, देन दोस्तों ऐसे आप लोग फोटो सीधा ऑटो डिस स्केच बुक आपके अंदर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो यहाँ पर भी आ चुका है ऑटोडी स्केच बुकअप के अंदर, एंड ऑटोडी स्केच बुकअप के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग हेयर को बनाने के लिए एट फर्स्ट इधर पर भी लोग ब्रश कश में क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से भी आप लोगों को स्मूथ नाम का ब्रश का ये वाला ब्रश का आप लोग सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा सिलेक्ट है, एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग नेम भी इसका देख सकते हो स्मूथ वाइप ब्रश, ठीक है। तो इसे आप लोग सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग मैं सेटिंग्स को भी एक बार दिखा देता हूँ। इधर पर साइज आप लोग अपने हिसाब रख सकते हो, फ्लो को आप लोग 37 के आसपास रख लेना है और स्ट्रेंथ को भी 37 के आसपास आप लोग रखना है, ठीक है। और आप लोग चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही काम का होगा आपका। देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग इसे कट करने, और कट करने के बाद दोस्तों अभी आप लोगों को कुछ इस तरह से आप लोग फोटो को उल्टा कर लेना है, ठीक है। और उल्टा करने के बाद दोस्तों अभी आप लोगों को सामने से कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो दोस्तों हमें फिर अभी जल्दी जल्दी ड्रॉ यहाँ पर कर लेते, तो आप लोग भी कुछ इस तरह से कर लें। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हेयर तो हमारे मॉडल के इधर पे बन चुका है, लेकिन उतना भी खास यहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे और भी बेहतर लुक देने के लिए इधर पे अभी फिर से ब्रश कश में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी चले जाने लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जाने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से स्वाइप करें, और स्वाइप करते करते इधर पे अभी आर्टिस्ट नाम का ब्रश का इधर पे आर्टिस्ट नाम का ब्रश का आप लोग ये वाला ब्रश का सिलेक्ट करें, ठीक है। इस हेयर वाला ब्रश का आप लोग सिलेक्ट करें इधर से, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका भी सेटिंग्स को आप लोग मैं दिखा देता हूँ। इधर पे साइज आप लोग अपने हिसाब से रख दो, फ्लो को आप लोग 44% के आसपास रख लें और स्ट्रेंथ को आप लोग 65% के आसपास। उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग फोटो को इस तरह से जूम करके यहाँ पर मैं साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अभी एट फर्स्ट, यहाँ पर 33.6 के आसपास रख लेता हूँ, और यहाँ पर आप लोग हेयर के ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो हेयर के ऊपर यहाँ पर बहुत ही बेहतर एक लुक आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे मॉडल के हेयर यहाँ पर भी पूरा का पूरा बन चुका है, और हेयर बनने के बाद दोस्त इधर पे अभी आप लोग क्या करें, इधर पे अभी आप लोगों को अपना हेयर के नीचे कट लगाना है, ठीक है। सो हेयर के नीचे कट लगाने के लिए इधर पे आप लोग एट फर्स्ट स्केल बड़ा ऑप्शन में ऐसे क्लिक करें, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्त इधर पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके आप लोग एक शेप ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद दोस्त इधर पे आप लोगों को इस राउंड स्केल वाला शेप को आप लोग सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से अभी जूम करके जिस डायरेक्शन पर आप लोग लाइन चाहते हो, सॉरी जिधर पे आप लोग काट चाहते हो उधर पर लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर रखना है, ठीक है, इस शेप को। और इतना करने के बाद दोस्तों इधर पे भी लोग फिर से इस ब्रश वाला ऑप्शन में ऐसे क्लिक करें, और इधर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी वाले चले जाने लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जाने के बाद इधर पे भी लोग ये वाला ब्रश को भी सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका से भी सेटिंग्स को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इधर पे साइज आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, फ्लो को आप लोग 70% के आसपास रख लें और स्ट्रेंथ को 54% के आसपास। उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग कुछ इस तरह से और भी फोटो को जूम करके यहाँ पर कुछ इस तरह से भी लाइन यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके में यहाँ पर लाइन बन चुका है, और इसके नीचे भी एक लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग शेप को नीचे ले आने, और इधर पे अभी आप लोग कुछ इस तरह से लाइन यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो एडिटिंग यहाँ पर अभी कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर बिफोर आफ्टर नहीं होता, नहीं तो फिर बिफोर आफ्टर भी आप लोग मैं दिखा देता। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने फोटो को सेव करने के लिए इधर पे भी लोग ऊपर ट्रिपल बड़ा का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग शेयर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो इधर पर आप लोग क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पर अभी लोग सेव टू डिवाइस का ऑप्शन में ऐसे क्लिक करें,
और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करना है जब तक यहाँ पर लोडिंग लेगा। और उसके बाद यहाँ पर अभी आप लोगों को इस नीचे सेव वाला ऑप्शन में यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग फोटो यहाँ से गैलरी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आएगा। पसंद अगर आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो आप लोग कैसे रहे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, मिलता है अगले वीडियो में।